हो गया आ गया निकल जाएगी कल तुमको नहीं देखा मैं। क्या हाल है आगे बोले ना बस आगे एक स्टेप बस बस थैंक यू यहाँ पे सामने यहाँ पे भैया यहाँ पे सामने इधर देखिए ना थोड़ा सा ये बादल है ना जी बाइक्स लेने हैं बाइक्स साहिल जब भूख लेके मैडम मैडम थोड़ा या सेंटर लुक ले ले मनी रोल रेडी रोल। सबसे पहले आज का दिन के बारे में थोड़ा बताइए अबाउट द पैंपर्स एंड यू गाइस आर हियर सो वी आर हियर फॉर द पैंपर्स प्रीमियम केयर जो उनका एक नया लॉन्च है नया नहीं इट्स बीन अ व्हाइल इट्स बीन इन द मार्केट हम लोग उसके लिए यहाँ पर आए हैं एंड वी आर सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट क्योंकि हमारी अभी छोटी सी न्यूली बॉर्न तो नहीं थोड़ी सी बड़ी 4 months की बेबी है एंड वी बीन यूजिंग पैंपर्स फॉर हर एंड इट वॉज सो ग्रेट कि ये अपॉर्चुनिटी आई एक साथ एंड वी कुड डू दिस टुगेदर दिस पार्टनरशिप एंड या दैट्स व्हाट वी आर हियर फॉर। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम नए पेरेंट्स हैं और डायपर से वैसे कभी वास्ता था नहीं बट अभी पिछले 4 महीने से रोज हो गया है। रोज का वास्ता है ये पैंपर्स प्रीमियम केयर जिसके लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। इट्स वन ऑफ द इट्स नॉट वन इट्स द मोस्ट सॉफ्टेस्ट डायपर एंड इट इज सो सॉफ्ट दैट एक्चुअली बेबी को पता है ऐसा लगता है कि शी इज नॉट इवन वोन एनीथिंग शी इज सो फ्री एंड जब बच्ची या बच्चा आपका खुश होता है तब आप खुश होते हो बच्ची अगर रोने लग जाए तो आप स्ट्रेस हो जाते हो सो आई थिंक वी आर वेरी लकी दैट वी आर एक्चुअली पार्टनर्स विद द पैंपर्स वी नेवर थॉट दैट दिस वुड हैपन। जब हम पहले खरीदने गए पहले पता होता तो हम शायद खरीदने नहीं जाते उनको बोलते थे आप ऐसे ही भेज दो बट आई थिंक इट्स जस्ट सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस लवली लवली brand. Yes, how lives have changed after being a parent? Big time. Everything has changed. Now, पहले हमारे plans हमारे according होते थे, but now everything is according to our baby. And it's all changed for good. इससे ज़्यादा खूबसूरत phase I think किसी की life में नहीं हो सकता when you become a parent. ऐसा बोलते ना शादी is the biggest day, best day, but nothing like when you become a parent. Yeah, I mean, and you become a parent. एक दिन बट उसके बाद आप रोज उसका एहसास लेते हैं रोज जब आपको बच्चा देखता है रोज जब वो कुछ नई नई चीजें करती है आपने हाल ही में कहा था कि फेस बताइए रिवील करेगी आप सोच रहे थे आज ही लेके आए बट आज मतलब बहुत ज्यादा वो इवेंट में ऐसी रोने लगती है थोड़ी सी तो ऐसे किसी अच्छी जगह पे प्लान करेंगे एंड देन वी विल गेट द बेबी थैंक यू सो मच बाय थैंक यू